ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुंबई में विमान और रेल सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। पटरी पर पानी भरने की वजह से महालक्ष्मी एक्सप्रेस करीब 12 घंटे से भी ज़्यादा समय से फंसी हुई है। मौसम खराब होने की वजह से 11 उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। भारी बारिश की वजह से पटरी पर पानी भर गया है। लोकल ट्रेनों के साथ साथ एक्सप्रेस ट्रेनों पर भी भारी असर पड़ा है। बदलापुर वांगनी के बीच महालक्ष्मी एक्सप्रेस करीब 12 घंटे के ज़्यादा समय से पानी की वजह से फंसी हुई है। इस ट्रेन में 700 यात्री सवार थे, जिनमें से 300 लोगों को NDRF एयरफोर्स के जवानों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस ट्रेन में पेंट्री नहीं होने की वजह से यात्री कई घंटों से भूखे प्यासे हैं। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बल RPF और मुंबई पुलिस रास्ते में फंसी महालक्ष्मी एक्सप्रेस के यात्रियों तक पानी बिस्कुट पहुँचा रही है। आपको बता दें कि अंबरनाथ वांगनी के बीच उल्लास नगर नदी में पानी भर जाने की वजह से कल्याण और करजत खोपोली को छोड़कर सभी खंडों में रेल सेवाएं सामान्य है। 12 घंटों से ज़्यादा समय से फंसी महालक्ष्मी एक्सप्रेस RPF और NDRF लगातार राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से ये ट्रेन फंसी है। लगातार 12 घंटों से इसी तरह से ये ट्रेन फंसी हुई है, जिसमें यात्रियों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने सुबह से 100 नंबर पे डायल किया, मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने CRPF पे डायल किया, मुझे CRPF वाले इमरजेंसी सिचुएशन में ये जवाब देते हैं कि सॉरी मैडम, हम लोग ट्रेन के जो है ना, वो ट्रेन वाले हमारे अंडर नहीं आता है, वो हम हेल्प नहीं कर सकते। तो मैंने बोला हम लोग को किसी को जो भी थे आप अग्री करेंगे, ट्रेन में थे उनको नेटवर्क इश्यूज था, बैटरी इश्यूज थी, पावर कट डाउन हुआ था। मैंने बोला कि ठीक है आप हेल्प मत करो, हमारी किसी अथॉरिटी के पास हमारा मैसेज फॉरवर्ड कर दो कि हम लोग की ट्रेन फंस गई है। बिकॉज 4-5 बजे आप गाँव वालों को भी न्यूज में आने के बाद पता चल गया रहेगा कि हमारी ट्रेन फंसी है। मैंने उनको बोला कि एज अ गवर्नमेंट अथॉरिटी आप प्लीज हमारी सिर्फ इतना एक पहुंचा दीजिए कि ट्रेन फंसी, आप मदद मत करो। हमारा कॉल सीधा मेरा कॉल कट किया गया, बोलते हैं कि नहीं हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने 101 अहमदाबाद में कॉल किया था फायर ब्रिगेड के लिए, मुझे पता नहीं था कि वो फायर ब्रिगेड अहमदाबाद का है। मैंने जस्ट एक हेल्प के लिए कॉल किया तो वो लोग भी ये बोलते वो तो आपका मुंबई में आता है मैडम, हम लोग हेल्प नहीं कर सकते। लगातार राहत बचाव कार्य जारी है, यात्रियों के तरफ से भी काफी शिकायतें सामने आ रही है। रेल पटरी पर पानी भरने की वजह से ये महालक्ष्मी एक्सप्रेस फंस गई, जिसमें यात्री 12 घंटे से ज्यादा समय से फंसे हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी ठाणे और पुणे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई के आसपास पिछले 24 घंटों में 150-180 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है। वहीं महालक्ष्मी एक्सप्रेस में फंसे लोगों को राहत बचाव कर बाहर निकाला जा रहा है, जिसमें सभी यात्रियों को सुरक्षित बताया जा रहा है। लेकिन वहीं राहत बचाव कार्य तेजी से जारी है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।